राधे राधे, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मूंग की दाल की स्पेशल बर्फ़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती हैं और जब आप इन्हें बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मूंग की दाल धुली हुई, चीनी, देसी घी, 4 से 5 इलायची, येलो फूड कलर, 1 गिलास दूध, 1 कटोरी मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मावा है तो आप मावे का यूज कर सकते हैं, उसमें आपको मिल्क पाउडर और दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने सारे मेवे ले लिए हैं। अब ये देखिए, मैंने मूंग की दाल धुली हुई ली है। अब इसको हम पानी में भिगोकर 2-3 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो चलिए हम अपनी दाल को भिगो देते हैं। ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने अपनी मूंग की दाल को डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अब ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसे अब मैं 2-3 घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। ये देखिए, हमारी मूंग की दाल को 3 घंटे हो चुके हैं और अभी अच्छी फूल चुकी है। ये देखिए, फूल गई। अभी मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पाउडर या कुछ भी इसमें लगा हुआ है वो सब निकल जाए। ये देखिए, ये हमने मूंग की दाल को अच्छे से धो लिया, हमारा पानी बिल्कुल अब सफ़ेद है। तो अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेते हैं, छान लेते हैं इसका पानी, जिससे कि अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, ये मैंने अपनी छन्नी में मूंग की दाल को डाल दिया है, अब इसका पानी सारा निकल जाएगा। अब हम अपनी दाल को एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं, ये देखिए। और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है तो ये पीसने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है जिससे कि हमारी दाल आसानी से पीस जाए। अब मैं अपनी दाल पीस लेती हूँ। अब हम इस ढक्कन को खोल कर अपनी दाल को चेक कर लेते हैं, क्योंकि दाल बिल्कुल बारीक पिसी हुई होनी चाहिए, उसमें दाना नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मेरी दाल बिल्कुल अच्छे से पिस गई है। ये दाल अब हमारी तैयार है। ये देखिए, बहुत अच्छी पिसी है हमारी दाल। तो चलिए अब मूंग की दाल की बर्फ़ी बनानी स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक बाउल में मूंग की दाल का पेस्ट ले लिया है और जितना पेस्ट लिया उतनी ही मैंने चीनी ले ली है और मैंने इसमें कम से कम 50 ग्राम घी लिया है। अब घी को हम एक कढ़ाई में चढ़ा लेते हैं। ये घी डाल दिया है मैंने। मूंग की दाल को जब हम घी में भूनते हैं तो स्टार्टिंग में वो कढ़ाई में बहुत चिपकती है, तो इसलिए हैवी थल्ली की कढ़ाई ही यूज करें। स्टार्टिंग में ये बहुत मुश्किल होती है भूननी और चिपकती बहुत ज़्यादा है, तो बराबर चलाते रहना इसे, इसे छोड़ना नहीं एक सेकंड के लिए भी। ये देखिए, ये बहुत चिपकती है, तो इसको ऐसे एक कलछी के हेल्प से चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं, नहीं तो ये चिपक जाएगी और ये जल जाएगी चिपकने के बाद। ये देखिए, जब ये धीरे धीरे पकनी शुरू हो जाएगी तो ये कढ़ाई को फिर छोड़ना शुरू कर देगी और चिकनाई छोड़ देगी, फिर ये चिपकेगी नहीं कढ़ाई में। ये देखिए, ये थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब थोड़ी बिखरी बिखरी सी ड्राई हो गई है थोड़ी सी। ये देखिए, इसने बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ दिया, अब ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रही है और इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। इसे गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। इससे खुशबू भी आने लगती है, जैसे बेसन से आती है उस टाइप से, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी मूँग की दाल भुन चुकी है। अब हमारी दाल भुन गई है तो इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मावा है तो उसमें आपको मावा यूज करना है, मिल्क पाउडर और दूध नहीं। तो मेरे पास मावा नहीं, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर को यूज किया है। अब मिल्क पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अगर आपके पास मावा है तो मावे को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। अब एक पैन में मैंने दूध चढ़ा लिया है। इस दूध में मैंने चीनी डाल दी है और इसी में मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दूंगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर डाल दिया, इससे
कलर हमारी बर्फी का बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना है दूध को, बस इतना पकाना है कि अच्छे से। अब इसमें हम इलायची पाउडर भी इसी में डाल देंगे। इसे हमें इतना पकाना है ताकि अच्छे से चीनी मिक्स हो जाए। अब मैंने एक बर्तन में चिकनाई लगा ली है बर्फियाँ निकालने के लिए। अब ये देखिए मेरा दूध तैयार हो चुका है। मैं धीरे धीरे इसमें डाल दूँगी, अपने पेस्ट में हम दूध डाल देंगे। ये डाल दिया तो अब इसे हम बराबर चलाएंगे, क्योंकि इसमें गांठे पड़ने का डर रहता है, तो गांठे नहीं पड़ने चाहिए। इसे धीरे 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 चलाते रहिए ऐसे घुमाते हुए। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, अपनी गैस को मीडियम रखना है और ऐसे धीरे धीरे इसको चलाते रहना है। ये देखिए ये जैसे जैसे पकेगा ये गाढ़ा होता जा रहा है, हमारा बहुत ही अच्छा होता जा रहा है गाढ़ा गाढ़ा। चलिए मावा जब आप यूज करते हैं तो उसमें आपको चीनी डालनी है, उसमें आपको ना पानी ना दूध यूज नहीं करना है। मावा थोड़ा सा पतला होना चाहिए उसके लिए। ये देखिए अब ये हो गई हमारी तैयार। तो अब हम इसे अच्छे से घोट लेते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको घोटेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छी होगी और बर्फियाँ बिल्कुल हलवाई के जैसी जमेंगी, और बिना जमने का तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। ये देखिए ये तैयार हो चुकी है। ये थोड़ी टाइट सी, जब आपको लगने लगे कढ़ाई में हमारी बर्फियाँ कि थोड़ी सी टाइट होने वाली हैं और जमने के लिए तैयार हैं, तो आप तब उसे थाली में पलटिएगा। अब ये देखिए मुझे लग रहा है कि मेरी बर्फियाँ जम जाएंगी, तो मैंने थाली में पलट लिया। अब एक चम्मच की हेल्प से हम इसको बराबर मात्रा में फैला लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम ये कटे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, मूंग की दाल की बर्फी इतनी टेस्टी होती है कि उसमें किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, और अगर आपके पास हैं तो यूज कीजिएगा। ये देखिए ये मैंने डाल दिए और अब इसे हम ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। ये देखिए ये अब ठंडी हो गई है, तो अब इसके हम अपनी पसंद के अनुसार पीस काट लेते हैं। ये अब देखिए ये मैंने चौकोर पीस काट लिए हैं, आप चाहें तो बर्फी के स्टाइल में भी पीस काट सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। ये देखिए ये मैंने पीस काट लिए हैं, हमारी बर्फियाँ बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती हैं और सबको पसंद आती हैं। तो इस त्यौहार ज़रूर बनाइए मूंग की दाल की बर्फी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।